हाय एवरीवन, हम उषा मम्मी जी की बहू एंड आज हम लोग आए हुए हैं घूमने। और एक्चुअली हम लोग कल आए थे। हम लोग आए हैं आनंदम लग्जरी रिसॉर्ट्स उदयपुर। ये उदयपुर एयरपोर्ट रोड के रास्ते में आता है और उदयपुर के उदयपुर से जस्ट 8-10 किलोमीटर ही दूर है। तो ये जो रिसॉर्ट है एक लग्जरी रिसॉर्ट है और जंगल रिसॉर्ट जैसा है बिकॉज ये लिटरली पहाड़ों के बीच में है। हमारे रूम से और ये पूरे रिसॉर्ट से आप कहीं भी देखोगे यू आर सराउंडेड बाय माउंटेंस एंड नेचर ऑब्वियसली। तो ये एंट्री है, ये जो गेट से यहाँ से हम अंदर आए थे एंड ये रहा इनका पोर्च। और यहाँ पे पार्किंग है, उस तरफ और पार्किंग है और ये हम लोग चलते हैं आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, इन्होंने लैंडस्केपिंग भयंकर की हुई है। पूरा रिसॉर्ट जो है बहुत एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन जितना भी बड़ा है इट इज़ वेरी कोजी एंड इट इज़ वेरी वेरी ग्रीन एंड ब्लू क्योंकि यहाँ पे पूल्स बहुत अच्छे हैं। तो ये हम लोग आ गए इनके रिसेप्शन पे। ये अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं तो यहाँ पे क्लीनिंग एंड ऑल चल रही है एंड ये इनका रिसेप्शन है, इनका ऑफिस। और इस तरफ से हम लोग इधर भी एक छोटा सा गार्डन है, ये इनका रिसेप्शन एरिया। ये हम लोग आगे जाएंगे। इनके गार्डन्स बहुत सुंदर हैं, बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं। जो मम्मी के व्यूअर्स हैं स्पेशली प्लांट लवर्स उन लोग को बहुत मज़ा आएगा। वेरी नेचुरल, सीधा प्लांट्स एंड पीछे स्काई या तो माउंटेन्स, सो ब्यूटिफुल। अब हम लोग रिसेप्शन से आगे जा रहे हैं और हम लोग रिसेप्शन से आगे जाते ही सबसे पहले हम लोग जिस चीज़ के लिए आए हैं वो दिखाते हैं, विच इज़ द स्विमिंग पूल। हम लोग का सारा इंटरेस्ट स्विमिंग पूल में ही रहता है। स्विमिंग पूल भी फिल्टर एंड क्लीन होता रहता है तो बच्चों के साथ आराम से जा सकते हैं सेफली। गिलहरी। ये एक रास्ता है जो पीछे, ये रास्ता जो है ये वहाँ कार पार्किंग की तरफ जाता है। और ये देखिए पहाड़, ओके। ये इनका पूल है जहाँ पे क्लीनिंग चल रही है। हम आपको आगे से दिखाते हैं। ये साइकिलिंग पाथ है जिस पे हम चल रहे हैं, ये साइकिलिंग पाथ है। इस पे हम लोग साइकिल, इनके पास बहुत सारी साइकिल्स रखी हुई हैं, बच्चों की साइकिल्स, बड़ों की साइकिल्स, तो आप साइकिल लेके जा सकते हैं। हल्की हल्की बारिश आ रही है, थोड़े थोड़े जस्ट ड्रिजलिंग थोड़ी सी। ये रास्ते पे काम बाकी है जिसके ऊपर ये लोग पेवमेंट जैसा बनाएंगे, ये जो पत्थर वाला रास्ता है। ये देखिए अगेन स्काई, हल्के बादल, इसका व्यू, वो पीछे मोर की आवाज़। ये इनका स्पा एंड वॉशरूम्स हैं पूल वाले। ये इनके आउटडोर शावर्स। ये इनका स्पा है जो बीच में, वो स्पा की एंट्री है। और ये रहा इनका ऑसम पूल। यहाँ झूला भी है बैठने के लिए, सनबेड्स भी हैं। कल हम लोग ने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। और वो उनका एरिया है जो पूल साइड, आपको स्नैकिंग करनी है पूल साइड, बार भी, बट अब इनका बार इंडोर गेम्स के साथ ही है और यहाँ बाहर मंगाते हैं तो लोग इधर से सर्विस दे सकते हैं। ये इनका पूल एरिया है। वो जो छोटा सा स्क्वायर है वो वाला, वो दैट छोटा सा रेक्टेंगल सॉरी, वो जो है वो 2 फीट का पूल है। और ये जो सबसे बड़ा स्ट्रेच है लंबा सा, वो वाइट लाइन, वो वाइट लाइन से इधर तक जो है, लेट मी शो यू। या तो ये जो सबसे बड़ा एरिया ये 3 फीट है और जो उसके आगे है जहाँ पे वो भैया जी क्लीनिंग कर रहे हैं वो जो एरिया वाइट लाइन के उस तरफ, वो 4 to 5 फीट वाला है। एक कॉर्नर जहाँ पे भैया जी है वहाँ 5 फीट है, बाकी का पूल 4 फीट का है। तो हम लोग कल पूल में काफ़ी देर तक मस्ती की है। एंड ये इनका और एक गार्डन है, ये इनके रेस्टोरेंट के जस्ट बाहर का एरिया है। यहाँ ये लोग बैडमिंटन रैकेट एंड शटल कॉक एंड ऑल रखते हैं, हम लोग खेल सकते हैं। बारिश होती है इसलिए चेयर्स थोड़ी टेढ़ी करके रखी गई हैं, बट ये एक आउटडोर एरिया है जहाँ पे बहुत सारा बॉल से खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, जो हम लोग आज खेलने का प्लान कर रहे हैं। ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये इनके इंडोर गेम्स हैं और उसी के साइड में इस बड़े से पेड़ के पीछे इनका रेस्टोरेंट है, इंडोर एरिया रेस्टोरेंट का। उसी के बाहर ये लोग आउटडोर लगाते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस तरफ। ये और एक गार्डन आया,
ये जो एरिया है यहाँ पे सिर्फ 10 विला है इस तरफ वाले, ये हैं लग्जरी हिल व्यू लग्जरी रूम्स विद प्राइवेट पूल वाले। तो ये हम आपको रूम का व्यू बाद में दिखाते हैं, जो हर रूम में एक प्राइवेट पूल है, हम लोग ने वही वाला लिया हुआ है कॉटेज। और ये जो है ये टेरेस विद पूल है, ये जो हम ये नॉर्मल वाले एक इस तरफ रूम है एक इस तरफ रूम है, तो इसमें सब में पीछे बालकनी में प्राइवेट पूल है और पीछे सीधा पहाड़ी है, कंप्लीट प्राइवेसी। एंड वहाँ पे गेस्ट्स भी अलाउड नहीं है और ऐसा यहाँ पे एनिमल्स का इशू नहीं है, बिकॉज पहाड़ी लाइक दिखने में काफ़ी बड़ी लग रही है बट यहाँ पे एनिमल्स का इशू नहीं है। और ये इनका गार्डन का प्ले एरिया है जहाँ पे ईरू खेल रही है। कल हम लोग बच्चे यहाँ खेल रहे थे और हम अपने रिलेटिव्स के साथ आए हैं तो हम लोग बैठ के कसिप कर रहे थे और ये इनकी साइकिल्स, यहाँ पे काफ़ी सारी साइकिल्स हैं, लोग ले भी जाते हैं आजू बाजू घुमाते हैं। और ये रहा इनका, कैंपस के अंदर ही घुमाना होता है। और ये इनका गार्डन का रास्ता एंड ये जो है इनका आउटडोर रेस्टोरेंट वाला एरिया है जहाँ पे क्लीनिंग चल रही है और वो उनका रेस्टोरेंट है अंदर। और ये जो है ये इंडोर हो गया। एंड अब हम आपको दिखा देते हैं एक और गार्डन जहाँ से बाकी के इनके रूम्स हैं। तो ये हम लोग जा रहे हैं और ये इंडोर गेम्स हैं। इंडोर गेम्स में लूडो, चेस और क्या बोलते हैं पूल बिलियर्ड्स दैट इज एंड कैरम, ये सब है। एज यू कैन सी ये रहा इनका इंडोर एंड ये इनका और एक बड़ा सा गार्डन जहाँ पे आराम से कोई आके योगा कर सकता है। ये इनके और रूम्स हैं, ये इनके नॉर्मल रूम्स हैं एंड ये बालकनी व्यू रूम्स हैं। ये इस बालकनी अगर होती है, बिकॉज ये मेरे रूम्स खुद के नहीं हैं तो इसलिए हम इसका वीडियो नहीं दिखा सकते, जो रूम्स हमारे रिलेटिव्स और हम लोग ने लिया है वो रूम्स हम दिखा सकते हैं। ये रहा और एक गार्डन। सो दिस प्लेस इज़ बेसिकली फुल ऑफ गार्डन्स। और ये व्यू आप घर के अपने रूम के बाहर निकलो एंड आपको ये व्यू मिलेगा, इट इज़ ब्यूटीफुल। मतलब सच में बहुत ही रिलैक्सिंग और रिफ्रेशिंग एटमॉस्फेयर है। यहाँ आके जब आप लौटेंगे तो आपको बहुत रिफ्रेश्ड लगेगा, आपको बहुत हैप्पी लगेगा, रिसेट हो जाता है दिमाग ऐसा लगता है मे बी। पीछे मोर की आवाज़ अभी भी आ रही है। यहाँ पे शाम को बहुत ही सुंदर होता है बिकॉज जो लाइट्स होती है वो लोग लाइट्स चालू करते हैं, जेंटल सी येलो लाइट्स रहती है पूरे रास्ते में। ये अगेन साइकिलिंग पाथ है जिसपे हम आपको घुमा रहे हैं। ओके, यहाँ का ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर भी बहुत अच्छा होता है। हमारा ब्रेकफास्ट एंड डिनर का बुफे होता है। कल डिनर बुफे वाज वेरी नाइस और आज सुबह ब्रेकफास्ट स्प्रेड देखेंगे कैसा है। आई थिंक अच्छा होगा, इसका खाना तो अच्छा होता है यहाँ का। एंड दैट्स इट, अब हम आपको रूम दिखाते हैं। ये हम आपको ब्रेकफास्ट का व्यू दिखाने आए। हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, बहुत अच्छा था। ये इनका इंडोर रेस्टोरेंट है, बहुत खुला खुला एंड रिलैक्स्ड। हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे तो उन लोग ने रेडी कर दिया था, तो एटलीस्ट हमारे लिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग को सब मिल गया। अच्छा, गाजर का जूस, कैरेट जूस, चाय, आप चाय या कॉफ़ी मंगाएंगे तो भी हो जाएगा। ओके, कैरेट वाला फ्रेश जूस है। ओके 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 ओके। और ये इनका ब्रेकफास्ट स्प्रेड है जिसमें फ्रूट स्टार्ट होते हैं, अपनी चॉइस के फ्रूट्स ले सकते हैं। एंड कपकेक्स, चॉकलेट कपकेक एंड वनीला फ्रूट, टूटी फ्रूटी वाला। आई थिंक एक उठा लेंगे हम रास्ते के लिए, अब हम लोग उदयपुर घूमने जाएंगे तब। सांभर, छोटे छोटे मेदू वडा, परफेक्ट फॉर बेबीज, दो टाइप की चटनी एंड ये सेमिया उपमा, कुकीज़ क्योंकि अब चाय एंड कॉफ़ी भी होती है यहाँ पे, तो कुकीज़ हुए। ये आलू के साथ सब्जी एंड पूड़ी, पूड़ी फ्रेश फ्रेश आती रहती है, हम लोग ने भी बीच में मंगाई थी। लाइव में डोसा, मसाला डोसा ये सब मिल जाता है। ये आलू पराठा है, हाँ बेटा चलते हैं। एंड ये है आलू बोंडा एंड ये आई थिंक सेमिया है, वाओ। और इन लोग ने ऑप्शंस में रखा हुआ है, दिस इज टोमेटो सॉस, स्प्राउट्स और दही, चीनी एंड टोस्ट, ब्रेड के साथ जो रेगुलर होता है ब्रेड, बटर ब्रेड जैम एंड गरम दूध। किसी को चाहिए तो ठंडा दूध अंदर से मंगा सकते हैं। चाय भी हम लोग ने मंगाई थी, बहुत अच्छी मसाला चाय आई थी। सो ये इनका ऑसम सा ब्रेकफास्ट स्प्रेड है
काफ़ी एक्सटेंसिव है, बहुत सारे ऑप्शंस है। और ये इनका इंडोर रेस्टोरेंट है। तो अब हम आपको बता रहे हैं हमारा रूम। ये हमारा रूम है, ये है हिल व्यू विद प्राइवेट पूल। और यहाँ पे है बाथरूम, और बाथरूम जो है उसमें इस तरफ वॉशरूम दिया हुआ है और उस तरफ बाथरूम दिया हुआ है, इस तरफ स्टोरेज दिया हुआ है। क्या बेटा अभी देते हैं? रूम में काफ़ी सारी एक्स्ट्रा सीटिंग है, हम लोग रात को इसको बेड के साथ चिपका भी सकते हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा स्पेस मिल जाती है। जाओ लेके आ जाओ। और ये वाला टीवी है, इस पर नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम एंड लिंक कर सकते हैं। और ये हमारा जो है मेन बेस्ट, अरे ये खुलेगा कैसे, ये बेस्ट फीचर इस रूम का, हिल व्यू विद प्राइवेट पूल। तो ये हमारा अपना प्राइवेट पूल है। ये है अराउंड 2 फीट है, ये 2 फीट वाला पूल है जिसमें, ये आई थिंक ये 2 फीट है। हम लोग इधर से उधर लैप्स कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा आउटडोर सीटिंग भी दिया है जिसपे हम लोग ने कपड़े सुखा दिए। एंड ये पूरा एरिया काफ़ी प्राइवेट है, और इसके बाजू में भी जगह है, और देन दूसरा रूम आता है। तो ये बड़ा अच्छा सा प्राइवेट पूल है जिसमें पानी चालू रहता है, फिल्टर चालू रहता है। पूल एंड हिल व्यू। तो ये रहा हमारा टूर आनंदम लग्जरी रिसोर्ट उदयपुर का। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। बाय बाय।